जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में मैत्री गणपति महोत्सव के 8वें दिन संपूर्ण रामायण रामलीला का आयोजन किया गया। दिल्ली के श्रीनगर रानीबाग क्षेत्र में चल रहे मैत्री गणपति महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। यहां गणपति महोत्सव के अलावा प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गणपति महोत्सव के 8वें दिन संपूर्ण रामायण रामलीला का आयोजन किया गया। इस रामलीला में डायरेक्टर नितिन बत्रा भगवान परशुराम के किरदार में नजर आए। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सभी भक्तों को गणपति महोत्सव की बधाई दी है। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल जी महोत्सव में पहुंचे और वहां पहुंचकर आयोजन कमेटी के पदाधिकारी से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। बल्कि जो सनातन परंपरा है हमारे देश को आवश्यकता है सनातन परंपराओं की, संस्कारों की। इसके माध्यम से जो संस्कार समाज में प्रतिवर्ष पहुंचते हैं वही कारण है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और हमारा भारत पूरा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है इन्हीं संस्कारों के कारण। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, मैं पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। पूरे देश में गणपति महोत्सव की धूम है, जगह पूरा भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ महिंद्रा पार्क में, जहाँ पे गणपति महोत्सव को लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और आज जिला अध्यक्ष जी पहुँचे हैं। अध्यक्ष जी क्या बधाई देंगे इस अवसर पर? देखिए इतना सुंदर कार्यक्रम मैंने बैठ के भी दृश्य भी देखा और मैत्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये मैत्री गणपति उत्सव 31वां उत्सव है और मैं देख रहा हूँ पूरी टीम एक परिवार के रूप में यहाँ काम कर रही है और पूरे बाड़े का भी और मंच का जो सुंदर दृश्य मुझे देखने को मिला है मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। और इससे केवल ये गणपति महोत्सव समाज के अंदर संस्कार देता है और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाता है और ये संस्कार नई जनरेशन में नए बच्चों में जाते हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है और भारत विश्वगुरु बनेगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है इन्हीं संस्कार के कारण भारत विश्वगुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि के देवता कहे जाते हैं गणेश जी, बुद्धि के देवता कहे जाते हैं गणेश जी। देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल बुद्धि के देवता हैं और जब भी शुभ काम करते हैं हम, यहाँ तक कि हम रामलीला का प्रधान भी हूँ, जब भी हम रामलीला का मंचन प्रारंभ करते हैं तो प्रतिदिन गणेश पूजन करते हैं, गणेश वंदना करते हैं और यही बुद्धि और यही संस्कार यही एनर्जी इनकी सब टीम के अंदर जाती है, सब कलाकारों के अंदर जाती है, सब आयोजकों के अंदर जाती है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी क्या मन्नते मांगी है गणपति जी के सामने यहाँ पे? देखिए गणपति जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, एक तो सबसे पहले यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और जिससे केवल इसलिए नहीं शासन के लिए कि जो जैसे हमारी पंचनिष्ठाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी हैं और भारत को विश्वगुरु बनाना हम सबका संकल्प है, मैं तो यही इनसे मांगने आया हूँ। देख रहे हैं किस तरीके से राजेंद्र यादव जी प्रधान है, इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद से हमारा सब काम सफल हो रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया, धन्यवाद। ये जो रामलीला देख रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत की है बलराम चावला जी। चावला जी कहते गणपति जी बुद्धि के देवता है, क्या? बिल्कुल, गणपति बप्पा जो है बुद्धि और विवेक के देव हैं और हमारे आराध्य देव हैं। मैत्री गणपति महोत्सव परिवार 31 वर्ष से लगातार सार्वजनिक तौर पर जो ये पूजन चलता है और पहले दिन तो बल्कि 500 लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से जोड़े के साथ बैठकर के पूजन चलता है कलश यात्रा में और नियमित रूप से विधि विधान से जो है प्रतिदिन पूजन रहता है। इसके अलावा इस वर्ष जो है 25वें वर्ष में तो गणपति रीति सिद्धि जी का विवाह संस्था के द्वारा हुआ था, बड़े भाव से और श्रद्धा से, और इस वर्ष जो है गणपति रीति सिद्धि जी के विवाह के 31वें वर्ष में श्री शुभलाभ जी का भी शुभागमन हुआ, उनका जन्मोत्सव हुआ है, तो उसकी भी सब क्षेत्रवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे यहाँ पर? कार्यक्रम का अब 8वां दिन है वैसे और पिछले 7 दिनों से इस मंच पर संध्या को भव्य महाआरती के पश्चात डेली या डांडिया के कार्यक्रम और श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था, क्या नाम, परम श्रद्धा जी याग्निक जी के मुखारविंद से, तो यहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने उनका मुखारविंद से जो है श्रवण किया सुंदरकांड पाठ का। उसके अलावा संकीर्तन का कार्यक्रम था और बच्चों के जूनियर डूस ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन थे, सीनियर ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन थे, जूनियर ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन में हर वर्ष
एमसीडी के लगभग 15 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीडी स्कूल्स के जो बच्चे आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो 216 बच्चों को मंच पे परफॉर्म करने के लिए दीपक मेहरा जी हमारे संस्था के महासचिव हैं, उन्होंने अपने स्वयं खर्चे पे उनके कुर्ते पजामे बनवाए थे और बहुत ही सुंदर और एक जो है शोभा यात्रा भी उन बच्चों की पूरे क्षेत्र में निकाली गई थी। तो ये बहुत सफल आयोजन रहा पूरे क्षेत्रवासियों के साथ में, उनके सहयोग से सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का, सबका बहुत बहुत सहयोग मिला और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारी जो है इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। तो मैं जनमत की पुकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है इस गणपति महोत्सव के कर्ता धर्ता दीपक मेहरा साहब। दीपक मेहरा साहब, ये सब कैसे कर पाते हैं हम लोग? मैंने गणपति को इसी हम ये कह सकते हैं कि एक कहावत है कि पहलवान तो गधा पहलवान, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं की ताकत से करते हैं। आज हम लोग 10 दिन से और उससे पहले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और 8 दिन हो गए हैं और हम लोग रोज सुबह से लेकर रात को 3 बजे सो पाते हैं और उसके बाद में भी इतना जोश है, तो ये सिर्फ एक आम इंसान में नहीं हो सकता। क्या खास रहा इस बार? आज 8वां दिन है शायद आपका गणपति महोत्सव, क्या खास रहा इसमें? खास तो हम लोगों ने इधर शुभ लाभ भगवान की स्थापना करी है, अपने वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के हिसाब से कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, तो हम लोगों ने ये अनुभव किया और हम लोगों ने कई जगह पढ़ा भी कि भगवान गणपति जो है वो जल का, और जल का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो हमारी बुद्धि में, बुद्धि के 2 पार्ट हैं लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमारी रिद्धि और सिद्धि है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिक है और एक एक्सप्रेसिव है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत दो इम्पॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़रूरी हैं। एक पार्ट ये है कि आप दृष्टिकोण और दूसरा इच्छा शक्ति, तो जब तक आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके कर्मों को सही राह नहीं मिलेगी, कर्मों का जो डिस्पोजल है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो शुभ लाभ है वो आपको शुभ कर्मों की तरफ ले जाएं और अपनी जो आपकी पूरी दृष्टिकोण है उसको एक प्रॉपर जो नैतिक और पूरा अच्छा एक राह दे सके, इसलिए हम लोगों ने शुभ लाभ की स्थापना करी ताकि हम पूरे लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सकें कि आप यहाँ आराधना ही ना कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और इनके जो मतलब हैं, जो इनके लॉजिक हैं उनको समझिए और उसको समझ के जन जन तक पहुँचाइए, ताकि मुख्य उद्देश्य यही है, हमारा मुख्य एम यही है कि सब लोग सत्कर्म की तरफ लगे। बुद्धियों के देवता हैं गणेश जी और इनके कान भरे भरे हैं और पेट भरा है, यह संदेश देता है साफ साफ कि सुनो सबकी, करो मन की, पेट भरा है कि सबको सुनकर पेट में रख लेना है सब कुछ, इन्हीं सब संदेश हैं गणेश जी का और खासकर इनका बच्चों से बहुत ही लगाव है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।